10 जुलाई 2003 अल जौरा कॉरेस्पॉन्डेंट एट इन कार बॉम्ब एक्सप्लोशन। कार बॉम्ब से मरे किडनैप करके सर काट दिए गए, पर सब में सिर्फ एक बात कॉमन है, सब अल जौरा रिपोर्टर्स थे और सब के सब मारे जा चुके हैं। वो जो भी था सही कह रहा था। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? हॉरोस्कोप। क्या लिखा है? अब्रॉड जाऊंगा, अच्छा जॉब मिलेगा, जल्दी प्रमोशन होगी, नए दोस्त भी बनेंगे, रोमांस का भी चांस है सर, सब कुछ माइंड ब्लोइंग, मेरा तो गोल्डन पीरियड चल रहा है। yeah? बस यही सोचता हूँ कि थोड़ा सा लक मैं ओएस को दे देता तो। ओएस को अपने सामने मरता हुआ देखकर तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगा है, मैं समझ सकता हूँ। ओएस हमारा भी हीरो है, मैंने उसकी फोटो हॉल ऑफ मार्टर्स में लगा दी है। सी यू अराउंड। विकास को कुछ पता है सर? मेरे इंडिया ऑपरेशंस मेरे लिए बहुत जरूरी हैं ज़हीर। किसी भी तरह उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई नीड हिम। यस सर। से समझौता करने की कोशिश में लगी हुई है। बस के अंदर 50 से भी ज्यादा किडनैप पैसेंजर्स, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उनके पीछे छिपे हुए टेररिस्ट। क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, इसका पता नहीं लगाया जा सका है। मैम पीछे देखिए। फॉलो मी। गलत टाइम पर ही क्यों फोन करते हो? अंजलि लिसन टू मी, वो टेररिस्ट है, मैंने उसे देखा है। कहाँ? टीवी पर? नहीं यार, अल जौरा की ऑफिस में, इस्तांबुल में। विकास यू मस्ट बी मिस्टेकन, क्या बात कर रहे हो? अंजलि मैंने कोई गलती नहीं की उसे पहचानने में, प्लीज वापस जाओ प्लीज। विकास मेरे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी मेरे सामने है, यहाँ दुनिया भर के जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है और तुम कह रहे हो कि मैं वापस जाऊँ? फॉरगेट योर फ्रीकिंग स्टोरी एंड लिसन टू मी अंजलि। कम, कुछ होने वाला है तो प्लीज स्टॉप। अंजलि प्लीज स्टॉप। सवाल तो बहुत होंगे तुम्हारे जहन में विकास सागर, लेकिन इस सारी दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है, मैं। तुम अंदर कैसे आए? गलत सवाल विकास, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं, पर तुम
सही सवाल तो पूछो। अब ये मत पूछना कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या जानता हूं, सब कुछ। और ये भी मत पूछना कि मैं तुम्हें अपने बारे में क्या क्या बताऊंगा, कुछ नहीं। हाँ, मैं तुम्हें अपना नाम जरूर बता सकता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? रिजवान, रिजवान खान। अब ये पूछो कि वो कौन लोग हैं जो तुम्हारी बीवी को मारना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुम सही वक्त पर फोन नहीं करते विकास, तो वो नहीं बचती। अगर कुछ बताना है सीधे सीधे बताओ। गुस्सा करना अच्छी बात है, पर गलत इंसान पर गुस्सा निकालना अच्छी बात नहीं विकास। ये देखो, इनमें से कुछ को तो तुम जानते ही होंगे, दुनिया के अलग अलग देशों के मोस्ट वांटेड लोग हैं, फ्रीडम फाइटर्स, यही कहते हैं अपने आप को, रेबल्स, रेडिकल्स, बुलशिट। सच बात तो ये है कि ये सारे के सारे टेररिस्ट हैं, और ये सारी की सारी मोस्ट वांटेड लिस्ट आपके अलजोहरा ऑफिस में आते जाते दिखाई देते हैं। What are you saying? कि ये सब अलजोहरा ऑफिस में? लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूं विकास, लेकिन अब भी बहुत कुछ है जो मैं भी नहीं जानता। लेकिन तुम पता कर सकते हो वहां जाकर जहां मैं भी नहीं पहुंच सकता। ऐसी कौन सी जगह है? अलजोहरा के थर्ड हमने न्यूज टीवी पर देखी, मिस्टर गजनी ने यह पता लगाने भेजा है कि आप ठीक हैं। मिस्टर गजनी से कहिए कि अगर उनको मेरी इतनी फिक्र थी तो फोन कर लेते। फोन लग नहीं रहा था। मिस्टर गजनी ने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी है कि आपकी वाइफ बच गई। मिस्टर गजनी से कहिए कि मैं उनका बहुत आभारी हूं, लेकिन इस समय मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए।